नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे वेरी स्ट्रॉन्ग टाइफून कोइनू के बारे में, जिसका खतरा भारत पर भी मंडरा रहा है। ये टाइफून अभी दक्षिणी चीन सागर में उठा है और इसका ट्रैक जो है वो वियतनाम की तरफ रहेगा। वियतनाम थाईलैंड से होते हुए ये बंगाल की खाड़ी में जाएगा और उसके बाद ये बंगाल की खाड़ी में पहुँचने के बाद फिर से इंटेंसीफाई होगा और साइक्लोन तेज का रूप ले सकता है। और इसका उसके बाद जो ट्रैक है वो भारत की तरफ रहेगा, यानी कि उड़ीसा वेस्ट बंगाल की तरफ रहेगा। अभी से ही ये संकेत मिलने शुरू हो चुके हैं और इसकी आगे क्या स्थितियां रहेगी उसके बारे में भी हम बात करेंगे। अभी ये सिस्टम जो है वो दक्षिणी चीन सागर यानी कि पश्चिमी प्रशांत महासागर के भागों पर ये सिस्टम बना हुआ है। अगर हम बात करें इस सिस्टम की, आज ये किस स्थिति में देखा जा रहा है, अभी ये सिस्टम आज शाम तक साइक्लोन का यानी कि रूप लेने वाला है। इस सिस्टम का यानी कि ट्रॉपिकल साइक्लोन ये बनेगा कोइनू, जो अभी आज शाम तक ये सिस्टम बन जाएगा और उसके बाद में ये सिस्टम वेरी ट्रॉपिकल साइक्लोन का रूप लेगा, टाइफून का रूप लेगा और उसके बाद में ये सुपर टाइफून भी बनेगा। यानी कि 200 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से इस सिस्टम की हवाएं आसपास में, यानी कि वेरी स्ट्रॉन्ग टाइफून बनने जा रहा है। ये काफी मजबूत सिस्टम है। धीरे धीरे आप देखेंगे 3 अक्टूबर के आसपास ये सिस्टम वेरी स्ट्रॉन्ग टाइफून की गति से यहाँ पे हवाएं देखी जा सकती है, यानी कि 150 से 180 किलोमीटर के आसपास इसके विंड स्पीड यहाँ पर देखा जा सकता है। इसके बाद आगे आप देखेंगे ये सिस्टम धीरे धीरे जो है वो दक्षिण चीन सागर से होते हुए वियतनाम की तरफ आगे बढ़ेगा और इसकी इंटेंसिटी में जो है वो यानी कि कमी नहीं आ रही है। ये सुपर साइक्लोन यानी कि सुपर टाइफून की कैटेगरी में भी ये सिस्टम जाने की जो संभावनाएं हैं इसकी पूरी पूरी नजर आ रही है। और इसके ज्यादातर समय ये समुद्री इलाकों में रहेगा, हालांकि वियतनाम पे ये हिट कर रहा है। अभी के मुताबिक इसका जो ट्रैक है वो वियतनाम की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। इसके बाद ये सिस्टम जैसे ही वियतनाम पे हिट करेगा उसके बाद में इसकी हालांकि थोड़ी इंटेंसिटी में थोड़ी सी कमी आएगी, बहुत ज्यादा कमी तो नहीं आएगी। ये उस समय वेरी सीवियर साइक्लोन की कैटेगरी में हो सकता है, यानी कि उसके बाद ये धीरे धीरे थोड़ा कमजोर होगा। थाईलैंड के भागों पर जब ये सिस्टम पहुंचेगा तो उस समय इसकी जो कैटेगरी है वो वेल मार्क लो प्रेशर तक ये रहेगा, बहुत ज्यादा गिरावट नहीं होगा। और उसके बाद जस्ट ये बंगाल की खाड़ी में जैसे ही प्रवेश करेगा तो इसको एक बार फिर से नमी वाली हवाएं मिलना शुरू होगी, जिसके चलते ये सिस्टम फिर से इंटेंसिफिकेशन करेगा और फिर यहाँ पे साइक्लोन की इसकी जो संभावनाएं हैं वो पूरी पूरी नजर आ रही है। ये साइक्लोन तेज यहाँ पर आने के बाद बन सकता है। अभी ये टाइफून कोइनू के नाम से है और जैसे ही ये लैंड करेगा उसके बाद में फिर से इसके नाम में तब्दीली भी देखने को मिलेगी। और इस सिस्टम से हालांकि वियतनाम और आसपास पे तो इसका दक्षिणी चीन के भागों पर भी इसका बहुत ज्यादा खतरा है। अभी ये टाइफून आज शाम तक बन जाएगा और उसके बाद में ये जो है वो काफी मजबूत होगा और फिर ये धीरे धीरे दक्षिणी चीन सागर की तरफ आगे बढ़ेगा और वियतनाम पे जाने के बाद इसकी जो कैटेगरी है उस समय तक ये, हालांकि दक्षिण चीन सागर में एक टाइम यहाँ पर जो अभी लोकेशन आप देख रहे हैं इस जगह ये सबसे हाई कैटेगरी में होगा। इस समय इसकी जो विंड स्पीड है वो 200 किलोमीटर तक जाने की संभावनाएं हैं। 200 किलोमीटर के आसपास हवाएं देखी जा सकती है इस सिस्टम के आसपास और फिर ये जैसे वियतनाम की तरफ बढ़ेगा तो उस समय इसकी थोड़ी सी विंड स्पीड में कमी जरूर आएगा, लेकिन बहुत ज्यादा कमी नहीं होगा। 160 किलोमीटर 170 किलोमीटर के आसपास हवाएं उस समय भी रहेगी। तो काफी मजबूत सिस्टम है, स्ट्रॉन्ग वेदर सिस्टम बना है यहाँ पर और इसके चलते इस सिस्टम के प्रभाव से हालांकि अभी जो डिप्रेशन अरब सागर में जो बना हुआ है, हालांकि कुछ समय के लिए वो डिप्रेशन रहेगा और एक लो प्रेशर सिस्टम जो बंगाल की खाड़ी में बना हुआ था उसका भी इंटेंसिफिकेशन नहीं हो पा रहा है, क्योंकि अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में भी जो हवाएं हैं जो मॉइस्चर है वो डिवाइड हो चुका है और साथ ही दक्षिणी चीन सागर से भी ये सिस्टम बना है, तो इसके प्रभाव से भी थोड़ा उतना मॉइस्चर जो है वो बंगाल की खाड़ी में अभी नहीं पहुंच पा रहा है, तो वो सिस्टम भी इतना इंटेंसिफिकेशन नहीं हो पाया। अगला सिस्टम जो है वो उस समय उसके आसपास ये कोई ज्यादा ऐसी एक्टिविटी भी नहीं होगी दक्षिण चीन सागर में भी और अरब सागर में भी, तो इस सिस्टम का बंगाल की खाड़ी में पहुंचने के बाद फिर से साइक्लोन बनने की संभावना है। हालांकि ये एक टाइफून कोइनू के अवशेष के रूप में बंगाल की खाड़ी में पहुंचेगा और उसके बाद भारत के राज्यों पर फिर से इस सिस्टम के चलते कई राज्यों में भारी वर्षा और तूफानी हवाओं से काफी ज्यादा अति भारी बारिश का सामना करना पड़ सकता है।
लेकिन अभी ये सिस्टम भारत से बहुत दूर है और ये सिस्टम बंगाल की खाड़ी में जब वियतनाम पे ये लैंड करेगा तो उसके बाद इसकी स्थितियाँ और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी कि ये बंगाल की खाड़ी में आने के बाद में किस तरीके से इंटेंसिफिकेशन होगा इसका और भारत के किन राज्यों को ये प्रभावित कर पाएगा। इसके बारे में अभी से अंदाज़ा लगाना मुश्किल है, लेकिन जब ये लैंड करेगा वियतनाम और आसपास के भागों पे उसके बाद में इसकी सही डायरेक्शन इसका क्लियर हो जाएगा। अभी जो है ये सिस्टम आज शाम तक साइक्लोन का रूप लेगा और उसके अगले 24 घंटे के बाद ये और ज़्यादा मजबूत होगा और वेरी स्ट्रॉन्ग टाइफून की कैटेगरी में ये देखा जा सकता है। तो इसके सिस्टम पर हम लगातार नज़र रखेंगे और आपको भी अपडेट करते रहेंगे इस सिस्टम के बारे में कि इसकी जो प्रभाव है वो भारत पर भी क्या देखने को मिल सकता है और जब ये भारत पर पहुंचेगा तो किस कैटेगरी में पहुंचेगा उसके बारे में भी हम आपको लगातार अपडेट करेंगे। फिलहाल अभी इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।